के बाद कुछ देर बाद नीचे में पानी आना ऐसे शुरू कर दे। तो देखिए, तो ये रहा पॉक मीट और ये रहा इरुम्बा सब। चार बजे में मैं गुवाहाटी पहुंचा था, तो अभी 6 बज चुके हैं। तो 6 बजे के लिए मैं गुवाहाटी से निकल रहा हूँ दीपकपुर के लिए। तो ये आगे पीछे में देख सकते हैं, ये रहा हमारा गुवाहाटी का ट्रेन जो दीपकपुर जाने वाला है। तो अभी हम लोग का ट्रेन मिल चुका है और टिकट भी मिल चुका है। हम लोग टिकट जो है तब तक से लिया हुआ था। तो अभी हम लोग का जो कल आया था उस ट्रेन का नाम है कंचनजंगा एक्सप्रेस। तो अभी ये जो ट्रेन है उसका नाम है एक्सप्रेस से जा रहे हैं हम लोग। हम लोग का दूसरा बल, हम लोग एक्चुअली मेरा का जो था डायरेक्ट दीमापुर का ट्रेन पकड़ना था, तो पर ट्रेन नहीं मिला। तो उसके लिए अभी देखने जा रहे हैं, अभी नहीं मिला तो कहीं ये रहा हम लोग का सिलगुड़ी NGP2 गुवाहाटी का दूसरा ब्लॉक है। तो ब्लॉक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करके देख सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहे अंतिम तक। थक चुका है बहुत गर्मी है इधर में। तो देखो बैग, इतना सारे बैग लेकर चल रहा हूँ मैं अभी। कति हम थियो कति अरे 3 या 4 है ना? 3-4 तो अभी हम लोग हमारे होइन हाम्रो त परायो पर लास्टमा किन भन्दा 61-62 अभी त हाम्रो सिट नै मिले। यहाँ 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 यतापट्टि यतापट्टि ओ यो रहा हाम्रो दोनों पछि हम लोग गुवाहाटी से निकल रहा था, तो वो दोनों रास्ता के बीच में आपको गेट देख सकते हो, सब घर डूब चुका है ये पानी से। तो फ्लड की वजह से सभी घर डूबा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो इतना डूबा हुआ है।
पार्किंग पे हुआ देखा तो रेडी स्नैप्स हुए थे, बहुत सारे घर पर डैमेज हुआ है तो देखो बहुत दुख दुखा। तो इसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट एपिसोड रहेगा तो दीमापुर टू अभी मणिपुर का, नागालैंड टू मणिपुर का रहेगा नेक्स्ट एपिसोड। तो आप लोग नेक्स्ट एपिसोड पर देखिए तो देखते रहेगा, इसको कीप सपोर्टिंग मी। अभी हम लोग जा रहे हैं दीमापुर का मार्केट। अभी एक होटल ढूंढ रहे हैं, ये दोस्त जो है अभी मुझे ट्रेन पे मिला था तो जब गुवाहाटी से दीमापुर के लिए निकला था तो दीमापुर का दोस्त मुझे मिला तो वो दोस्त जो है होटल पे ले जा रहे हैं तो शायद हम होटल काउंटर पे जाने वाले हैं। अभी हम लोग जो है दीमापुर पहुंच गए, पॉक मीट खाने वाला है। तो ये रहा पॉक मीट और ये रहा इरुम्बा, सब बॉयल है, ये भी बॉयल डाले। और ये देखो ये क्या है मुझे पता नहीं। और ये देखो ये बीन्स, बॉयल बीन्स है। और पापड़ है चिल्ली। और ये रहा नींबू। इधर में हाथ से खाना पड़ता है, खाना जो है हाँ स्पॉट नहीं मिलता इधर में, तो बहुत भूख लग चुका है। अभी हम लोग खाना खाने वाला है तो ठीक है अभी खाना खाने जा रहे हैं। हेलो गाइस, आज मैं आप लोग को ऐसा पानी पीने का ऑर्गेनिक सिस्टम बताने जा रहा हूँ। तो ऐसा ऑर्गेनिक सिस्टम का फिल्टर बताने जा रहा हूँ। शुगर मानो कि हम लोग का चिकन का आदमी जो है फिल्टर करना नहीं पड़ता है। तो एक्चुअली ये प्रोसेसिंग क्या है, पहला हम लोग हैंड पंप करना पड़ता है, इसको एनर्जी फोर्स डाल के पानी निकालना पड़ता है ऐसा। और मैंने ये पानी टेस्ट किया फिल्टर करने से, इतना ये टेस्टलेस है। तो जितना भी हम लोग का चिकन का आदमी है आप लोग ये देख रहे हैं, तो आप लोग शुगर मानो कि आप लोग को पानी ऐसा सिस्टम करके पीना नहीं पड़ता है। तो देखिए पहला इधर से हैंडपम्प से निकल लिया भैया ने, और फिर ये पीने वाला है और ये नहाने वाला है। तो ये पानी बाकेट से निकालने के बाद, हैंडपम्प से निकालने के बाद उसको इधर ये इसके ऊपर में डालना पड़ता है, तो ये फिल्टर करना पड़ता है। तो फिल्टर के लिए प्रोसेसिंग है, इधर में कुछ ईंटे वगैरह डाला हुआ है और कुछ सेंड है ये। और देखो ये ऐसा प्रोसेसिंग सिस्टम है, ये ऐसा करके डाला हुआ है। और उसके बाद कुछ देर बाद नीचे में पानी आना ही शुरू करते हैं। तो देखिए अब इधर ऊपर में लाल कलर का है, पूरा लाल कलर का दिखाई दे रहा है, और नीचे में सफ़ेद कलर का रहा है। पर भी ये जो पानी है ये इतना टेस्टलेस है, और मैंने पीकर भी देखा है। और तो आप लोग सुखार मानो कि आप लोग ऐसा पानी पीना नहीं पड़ा है। तो अब एक्चुअली मैं नागालैंड पे हूँ और ये जो है नागालैंड का दीमापुर का वीडियो दिखा रहा हूँ। तो मैं अभी कुछ देर के लिए भैया लोग को साथ पे रहा था इधर में, तो उस टाइम पे मैंने ये सिस्टम देखा, तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों को कुछ वीडियो दिखा दूँ। बोलता